So, if we are talking about the questions related to the masculinity exercise of this chapter, then we have one question in question number 4. Okay, question number 4 का जो question है उसको हम लोग थोड़ा सा discuss करते हैं. इसमें ME chapter 13 question number 4. What in this question I asking is draw a line segment AB of 5 cm length. तो आपको एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर. तो आपको स्केल लेना है. स्केल में आपको सबसे पहले पॉइंट एक ड्रॉ करना है. इसमें आपको फर्स्ट इनिशियल पॉइंट ऑफ द स्केल रखना है एंड यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ. तो आपको स्केल यहाँ पे प्लेस करके इस तरह से जहां तक 5 है वहां तक पॉइंट जो है बनाना है एंड यू हैव टू गिव द नेम एज लाइक ए एंड बी एंड दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर सो यू हैव टू राइट हियर 5 सेंटीमीटर. नाउ इन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग मार्क पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजर सी बी हाउ लॉन्ग इज सी बी. तो अभी बोला जा रहा है कि ए बी में ऐसा एक पॉइंट सी देना है जिसका ए सी का जो लेंथ होगा दैट शुड बी 3 सेंटीमीटर. इसका मतलब आपको यहां पे एक 3 सेंटीमीटर में जो है सी पॉइंट देना है. तो आप अगेन स्केल यहीं पे रखोगे और 3 सेंटीमीटर जहां पे होगा वहां पे एक पॉइंट दे दोगे. यहां पे स्केल प्लेस करके 3 सेंटीमीटर जहां पे होगा देयर इन यू हैव टू गिव ए अनदर पॉइंट व्हिच यू हैव टू गिव नेम एज लाइक सी. जिसका नेम सी देना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हम लोग का एसी का जो लेंथ होगा दैट विल बी 3 सेंटीमीटर. ये लेंथ जो है ये 3 सेंटीमीटर होगा. तो व्हाट डू यू थिंक दैट सीबी विल बी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सीबी देन? कोई बता सकते हो सीबी का लेंथ कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो विल कम सगुन. ओके सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, उसके बाद 6 में भी आएंगे. तो 4 में कोई बता सकते हैं हमें कि सीबी का लेंथ कितना होगा अगर एसी 3 सेंटीमीटर है और एबी टोटल अगर 5 सेंटीमीटर है? तो मैसेज में बताएं सब कोई. ये जो टोटल लेंथ है ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है और ये जो है ये 3 सेंटीमीटर का है. तो ये सीबी ये जो लेंथ है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस? आइदर यू कैन यूज स्केल टू मेजर और यू कैन जस्ट टेल मी डायरेक्टली ऑल्सो. अनुप्रिया सगुन अनुष्का आई गॉट द आंसर फ्रॉम दिस ऑल स्टूडेंट्स विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. 6 इज नॉट करेक्ट अथर्व. हाउ इट विल बी मोर देन द लेंथ ऑफ दिस? अगर मान लीजिए एक इतना बड़ा स्टिक है मेरे पास जिसका इतना बड़ा स्टिक है जिसका लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और अगर हम 3 सेंटीमीटर इधर ब्रेक कर देते हैं तो कितना बचेगा? दैट इट इज आस्किंग. सो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ये जो लेंथ होगा दैट विल बी ऑफ 2 सेंटीमीटर. तो आपको ये कॉपी में इस तरह से बनाना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, सी पॉइंट देना है एक जिसका लेंथ होगा 3 सेंटीमीटर एंड सी बी जो है वो 2 सेंटीमीटर रिमेनिंग हम लोग का बच जाएगा. आप मेजर करके भी देख सकते हो, अदरवाइज यू लीव इट एज लाइक एज इट इज. ओके सो मोहित पांडे आर यू सेइंग समथिंग? व्हाई यू आर रेजिंग हैंड? आस्क व्हाट यू आर सेइंग. अदरवाइज लोअर डाउन द हैंड. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. 5 जो है दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द क्लास. सो आई होप यू कैन एबल टू डू ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू 5. विल मूव टू द 6. बिफोर दैट लेट अस डिस्कस. यू ऑल आर रिमेंबर्ड ऑल द टॉपिक्स, ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न और नॉट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इट इज आस्किंग द शेप ऑफ अ चपाती इज. चपाती जो होता है, रोटी जो होता है उसका शेप पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ दिस. सो क्विकली टेल मी एवरीवन व्हाट विच ज्योमेट्रिकल शेप इज दिस? कौन सा शेप है ये? एग्जैक्टली सर्कल. सो सर्कल इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सो शेप ऑफ चपाती इज सर्कल. तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कल. सेकंड में पूछा जा रहा है ए सर्कल हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस. एक सर्कल में कितना साइड्स होता है और कितना वर्टिसेस होता है?
सो जल्दी से बताइए आप लोग दोनों, कितना साइड्स होता है और कितना वर्टेक्स होता है? यही सर्कल का ड्राइंग जो बना हुआ है, यही सर्कल है। सो यू हैव टू टेल मी क्विकली एवरीवन की हाउ मच साइड्स एंड हाउ मच वर्टिसेस डज ए सर्कल हैव। नो साइड्स एंड नो वर्टिसेस, एनीवन एल्स? एग्जैक्टली exactly. अगर सर्कल का बात करें, देर इज नो एनी साइड्स बिकॉज ये कर्व सरफेस होता है सिर्फ, ठीक है? तो नथिंग एनी साइड्स एंड नो एनी वर्टिसेस आल्सो, और वर्टेक्स जिसको बोलते हैं। तो मीटिंग पॉइंट भी नहीं है और कोई भी साइड्स भी नहीं है, सो आंसर विल बी नो नो और जीरो जीरो इन बोथ। ओके, सो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन वेर इन इट इज आस्किंग The wheel of all the vehicles have the shape of a dash. तो जो wheels होता है, चक्का होता है कोई भी vehicles का, वो कौन सा shape का होता है? जल्दी बताएं। Exactly, circle. Very nice. So next, moving to the next question. The plane surface of a cone represents a what? तो एक कौन जो होता है, उसका प्लेन सरफेस जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे कौन जो होता है, दैट इज ऑफ लाइक दिस टाइप ऑफ शेप। तो यहां पे हमने पढ़ा था दो सरफेस होता है, एक तो हो गया हमारा कर्व सरफेस और एक होता है प्लेन सरफेस, ये नीचे वाला जो सरफेस होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इट इज आस्किंग। सो क्विकली टेल मी एवरीवन व्हाट डू दिस रिप्रेजेंट? सर्कल, एनीवन एल्स? Anyone else? Exactly, very nice. So this will be more circular, like इस तरह से circular shape का होगा. Okay, so this also represent as like circle only. ये भी circular shape का होता है, ठीक है? तो this all about the question number 5. Now moving to the question number 6, wherein you have to count. जैसे हम लोग ने पढ़ा था एक exercise में कि how to count the square, then rectangle, then triangle. Here it is asking to count down the circle, number of circle. So number of circle count करना बहुत ही easy है as compared to the counting number of square and rectangle. Square और rectangle का count करना थोड़ा सा difficult होता है जब एक के अंदर दूसरा रहता है, but circle के केस में easy है. तो fourth circle जो हम लोग का है, let us see. So fourth circle which we have is like this. First में हम लोग का इस तरह से 1, 2, 3 है, सेकेंड में हम लोग का 2 है, तो 1, 2 एंड थर्ड में हम लोग का और एक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल पूछा जा रहा है, सो इट्स वेरी इजीली आप देख सकते हो, दिस इज वन ऑफ द सर्कल, दिस इज वन ऑफ द सर्कल। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रहा है। 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपना बुक में देखें, 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 6 का क्वेश्चन नंबर 1, ये एक सर्कल है 1, यहां पे एक सर्कल है 2, यहां पे एक सर्कल है 3, यहां पे एक सर्कल है 4, हेयर वन सर्कल 5 एंड हेयर वन सर्कल। सो हाउ मच टोटल सर्कल इज देयर? सिक्स, एग्जैक्टली, सिक्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो सिक्स में जो है 6 सर्कल्स है, तो आप अगर देखोगे ऊपर में 3 है, उसके बाद 2 है और लास्ट में 1 है, तो इस तरह से हम लोग का टोटल 6 सर्कल्स जो है इसमें है। अभी सेकेंड इमेज जो है उसमें बताएं जल्दी से कितना सर्कल है, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन सेकेंड इमेज? सेकेंड में भी 6 है, लेट अस सी। चलिए देखते हैं। श्योरेस्ट ऑफ ऑल क्विकली चेक इट आउट, हाउ मच नंबर ऑफ सर्कल इज देयर इन सेकेंड क्वेश्चन? सो यहां पे कंसेंट्रिक सर्कल बोला जाता है, नॉर्मली जब एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल रहता है, तो उसी तरह से यहां पे है एक बड़ा सा सर्कल है और उसके अंदर फिर सर्कल है, इसी तरह से
वन सर्कल अंडर अनदर है और इस तरह से कितना है, वन टू थ्री, थ्री कंटिन्यू है इस तरह से। अच्छे से सर्कल आप लोग बनाओगे यूजिंग कंपास और समथिंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट, कंपास का यूज करोगे तो यू कैन ड्रॉ सर्कल प्रॉपरली। यहाँ पे बोर्ड में बड़ा हो रहा है तो फिर अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कंपास का यूज नहीं कर रहा हूँ। सो हियर इस तरह से तीन है, अगेन इसके अंदर पे थ्री है, तो आप यहाँ पे फिर से देखोगे तो अंडर दिस अगेन लाइक दिस दिस एंड दिस इस तरह से है। सो हाउ मच टोटल सर्कल्स आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो इन दिस ऑल्सो टोटल सिक्स सर्कल्स आर देयर, सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो विल दिस आंसर ऑल्सो विल बी सिक्स, सो अंडरस्टूड। सो गो नाउ, समझ में आ गया सभी को, बहुत बढ़िया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ, सेवन भी आप लोगों को बुक में ही बनाना है, सो जस्ट यू हैव टू चूज व्हिच इज द करेक्ट इन दैट केस, सो चूज द करेक्ट अंडरलाइन वर्ड, जो भी यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं उसमें से सही जो है दैट यू हैव टू चूज। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ए बुक हैज विच टाइप ऑफ सरफेस, तो अगर हम लोग इस बुक का बात करें या इस बुक का बात करें तो इसका जो सरफेस है ये कैसा है दैट इट इज आस्किंग, एग्जैक्टली प्लेन सर्फेस, सो एंसर एंसर विल बी प्लेन सर्फेस, वी विल टेक ऑन प्लेन सर्फेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ए बॉल हैज ए विच टाइप ऑफ सर्फेस, एग्जैक्टली कर्व सर्फेस, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एन अलमीरा हैज विच टाइप ऑफ सर्फेस, अलमीरा जो होता है आप लोग का घर में भी, बहुत सारे लोगों के घर में हो सकता है जिसमें नॉर्मली हम लोग कपड़ा वगैरह रखते हैं, और भी जो भी किसी का अगर जेवर वगैरह है घर में, कुछ ज्यादा खजाना है वो रहता है किसी के घर में क्या धन दौलत रहता है ना अलमीरा में, अच्छा चलो, तो वो भी प्लेन सरफेस होता है, बहुत बढ़िया। मूविंग टू नेक्स्ट व्हिच इज आस्किंग एन ऑयल टीन हैज, सो ऑयल का जो टीना आता है, टीना में ऑयल आता है, तो वो किस शेप का होता है, हाँ सो वेरी नाइस, दिस इज ऑल्सो प्लेन। ओके, उसके अलावा द टॉप ऑफ ए टेबल, टेबल जो होता है उसका टॉप जो होता है वो क्या कैसा सरफेस होता है, एग्जैक्टली दैट इज ऑल्सो प्लेन। तो अगर हम लोग कंक्लूजन करें तो बुक का हो गया प्लेन, बॉल कर्व, अलमीरा प्लेन, ऑयल टिन प्लेन एंड टेबल भी प्लेन, सो सारा प्लेन ही है एक्सेप्ट बॉल, ठीक है। यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट इज हियर ओनली इन टेस्ट और एग्जाम विल कम, सो इट कैन बी कम आस्क फॉर द अनदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर एट नाउ, एट का अगर बात करें, इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग लुक एट द गिवन फिगर देन राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, व्हिच फिगर इज दिस, क्विकली टेल मी एवरीवन, एग्जैक्टली द नेम ऑफ द फिगर और नेम ऑफ द शेप इज सिलेंडर, सो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया है, द शेप ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज सिलेंड्रिकल, सो आंसर विल बी ट्रू, एग्जैक्टली, सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर विल बी ट्रू बिकॉज दिस इज सिलेंड्रिकल शेप ओनली, सो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही बोला गया है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट हैज फोर एज, सो पूछा जा रहा है इसमें एज कितना है, तो सिलेंडर में एज हम लोग ने कितना पढ़ा था, ये फॉल्स है क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिलेंडर जो होता है वन टू एंड थ्री, सो एक दो प्लेन सर्फेसेस होता है, तीन सर्फेसेस होता है, और एज कितना पढ़ा था हम लोग ने सिलेंडर में, जल्दी से बताए सभी, एज दो होता है राइट, दो सर्कुलर एज होता है ये और ये, तो यहाँ पे कितना बोला जा रहा है क्वेश्चन में फोर, जो कि गलत है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तीसरा क्या पूछा जा रहा है कि इट हैज वन कर्व सरफेस, सो सरफेस कितना है, ट्रू ओनली वन सरफेस है इसमें, थ्री है, तो ये फॉल्स हो जाएगा ये भी राइट,
फोर्थ में पूछा जा रहा है कि इट हैज थ्री फेसेस, तीन फेस होता है. अच्छा, इट हैज वन कार्व सरफेस, ये ट्रू ही होगा क्योंकि इसमें एक ही कार्व सरफेस है, यहां पर सरफेस नहीं बोला गया है, सिर्फ कर्व सरफेस बोला गया है. दैट इज व्हाई दिस विल बी ट्रू. वेरी नाइस, क्योंकि यहां पे कर्व सरफेस एक ही है, ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा. इट हैज थ्री फेसेस, फेसेस के केस में क्या होगा जल्दी बताएं. ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फेसेस या सरफेसेस तीन हैं, लेकिन उसमें एक कर्व सरफेसेस है या कर्व फेसेस है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा. फाइव में क्या पूछा गया है, इट हैज थ्री प्लेन सरफेसेस, फेसेस या सरफेसेस सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग फॉल्स एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग ट्रू. फिफ्थ स्टेटमेंट इज इट हैज थ्री प्लेन सर्फेसेस. वाई दिस इज फॉल्स, कैन एनी वन टेल मी. एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज आस्किंग अबाउट द प्लेन सर्फेस, तो यहां पे प्लेन सर्फेस जो होता है वो दो ही होता है, राइट. तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन जो है मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का कंप्लीट किए. अगर किसी को अभी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क, पूछ सकते हो. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो कंक्लूजन अगेन हम लोग ये निकालते हैं कि वी आर हैविंग टेस्ट फ्रॉम थ्री चैप्टर्स, पीरियडिक टेस्ट. सो क्विकली अच्छे से सभी रिवाइज करेंगे. You have lots of time till now, 29th and 13th you have test. So test will be from 12, 13 and 14 as well. So 14 you will start from tomorrow. Okay, tomorrow is Sunday. Tomorrow is Saturday. So from next week we will start next chapter, which is related to pattern. Pattern chapter is not so much difficult. This is very easy chapter.